मैं मणिपुर बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मणिपुर अपनी बात रखने से पहले अपने उस रहनुमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इस मुश्किल वक्त में मेरे अंदर उम्मीद और उमंग की नई ज्योति जलाई है। मुझे भरोसा दिलाया है कि नफरती आधियों और उन्मादी शक्तियों से संघर्ष में वो मेरे साथ खड़ा है और मेरी मुस्कान को महफूज रखने के लिए वो हर हद से गुजर जाएगा, हर तानाशाही और शैतानी शक्तियों से ऊपर से गुजर जाएगा। मणिपुर आने के लिए और मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए थैंक यू राहुल, लव यू राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। मणिपुर से तुम्हारे इस बेपनाह मोहब्बत को मैं एहसान जैसे आसान अल्फाजों से सजाकर तुम्हारी तौहीन नहीं करूंगा, लेकिन तोहफे में तुम्हें कुछ खास देने की इजाज़त ज़रूर चाहूंगा। लिली, सात रंगों से रंगी मेरी लिली। राहुल, ये लिली केवल फूल नहीं है, ये मेरी पहचान है, सात रंगों वाली पहचान। पूरी दुनिया में सतरंगी लिली केवल मेरे दामन में ही खिलती है, केवल मेरी ही आबो हवा में फलती फूलती है, केवल मेरी सरजमी पर ही सुरीली सरगोशी करती है। यही लिली बड़े फक्र के साथ देश दुनिया को बताती है कि इस धरती का एक कोना ऐसा भी है जहां एक फूल से सात रंग ऐसे गुधे पड़े हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना तीसरा सूना है, तीसरे के बिना चौथा चार दिन की चांदनी है, और चौथे के बिना पांचवें की कोई पहचान नहीं है, पांचवें के बिना छठा छठभंगूर है, और उस छठे के बिना सातवां सांस भी नहीं ले पाता है। राहुल, लिली के इन्हीं सात रंगों की तरह ही तो मेरे सारे बच्चे एक दूसरे से गुथे रहते थे, एक दूसरे की पहचान बनता था, दूसरे तीसरे का अभिमान बनता था, तीसरा चौथे का सम्मान बनता था, और आखिरी में सब बच्चे मिलकर मुझ मणिपुर को भारत भूमि का मणि मतलब आभूषणों की भूमि बनाते थे। आपको तो पता ही होगा कि मेरे नाम का शाब्दिक अर्थ यही होता है, मणिपुर मतलब बेशकीमती मणियों का घर। लेकिन राहुल, शातिर सियासी शक्तियों की खूनी साजिश की वजह से आज मेरी वो पहचान संकट में है। एक धागे में गुथे रहने वाले तमाम मेरे मणि, मेरे सारे बच्चे आज मैतई, कुकी, नागा और पता नहीं किन किन नामों से पुकारे जा रहे हैं, हाथों में हथियार देकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं। नफरत और उन्माद का शैतानी सैलाब ऐसा कि राखी की रक्षा करने वाले भाइयों के हाथों ने अपनी बहनों को निर्वस्त किया, उनकी आबरू और अस्मत को भरे बाजार में नीलाम किया। जिन मासूमों की पवित्र मुस्कान पर पूरा मणिपुर निहाल हो उठता था, उन मासूमों की चिताएं सजाई। एक साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन मणिपुर की सियासी आग अभी भी सुलग रही है। आज भी उस सियासी आग में अपने बच्चों का आशियाना जलता देखने के लिए मैं अभिशप्त हूँ। राहुल, इस शुभ मौके पर मैं अपनी वेदना और व्यथा से तुम्हें और विचलित नहीं करना चाहता हूँ। तुम तो पहले भी मेरे बच्चों के आंसू पोषने आए थे, शांति और सद्भाव का संदेश लेकर दोबारा फिर आए, तुम्हें एक बार फिर से मेरा शुक्रिया राहुल। इस पुरसुकून मौके पर शिकायत किसी से नहीं करूँगा। हस्तिनापुर के उस अन्यायी सम्राट और उनके नफरती नुमाइंदों से भी नहीं जो मेरे दामन के खूनों से अपनी दागदार राजनीति में रोज नया रंग भर रहे हैं, मणिपुर की माताओं और बहनों की अस्मत पर जो अपना सियासी आशियाना तैयार कर रहे हैं। शिकवा और शिकायत अपनों से किया जाता है, गैरों से नहीं। उनसे शिकायत करने का क्या फायदा जो किसी की मौत का सामान खुद अपने हाथों में सजाते हैं और फिर अपनी चुप्पी से उसमें आग लगाकर उसे मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। कमल की उस कपटी और क्रूर पॉलिटिक्स ने जिस अंदाज में मेरे बच्चों को आपस में लड़ाया और फिर जिस बेशर्मी से मुझसे दूरी बनाई, वो सब कुछ सबके सामने है। उस मुद्दे पर
मुझे किसी से ज्यादा कुछ कहना सुनना नहीं है। बस राहुल, तुम्हें और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना है जो विध्वंस की इस विभीषिका में मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे, मुझे एहसास दिलाते रहे कि दुराचारी डबल इंजन सरकार के खिलाफ लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूँ। इस अपने पन के लिए वंस अगेन थैंक यू राहुल, लव यू राहुल।